गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल चावड़ा इंग्लिश एंड स्किल्स में। तो आइए दोस्तों, आज फिर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उस समय टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें यूज करना पड़ता है। यदि ये समय से रिलेटेड वर्ड्स यदि हमारे दिमाग में नहीं होते हैं तो हम अच्छा बोल नहीं सकते या फिर हम लिख नहीं सकते। तो आइए हम वन बाय वन इनको हम जान लेते हैं, और जानने के बाद इन्हें हम स्पोकन में और रिटन में हम प्रयोग करें ताकि हम प्रभावकारी कम्युनिकेशन बना सकें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। तो यहां पर मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं जिसे आप बहुत ही आसानी से इन शब्दों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है टाइम, समय। यदि हमें यहां पर बोलना है अभी, तो यहां पर हम यूज करेंगे नाउ। अब हम सेंटेंस भी बोलते हैं नाउ आई एम गोइंग, नाउ आई एम वर्किंग, मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं। देन देन मीन्स होता है तब। ही टोल्ड मी अबाउट माय एग्जामिनेशन, देन आई न्यू। उसने मुझे मेरे एग्जामिनेशन के बारे में बताया, तब मैंने जाना। तो यहां पर देन मीन्स तब। अब यहां लिखते हैं अगो। अगो मीन्स होता है पहले। दोस्तों इसका उच्चारण होता है अगो ना कि एगो। टू डेज अगो, टू मंथ्स अगो, या फिर फाइव इयर्स अगो, 5 साल पहले मैं रमेश से मिला। तो ये सेंटेंस बनता है फाइव इयर्स अगो आई मेट रमेश। इसके बाद लिखते हैं हम लेटर। लेटर मीन्स बाद में। टू डेज लेटर या थ्री डेज लेटर, फाइव इयर्स लेटर, यहां पर 10 साल बाद को हम बोलेंगे 10 इयर्स लेटर ही कैम बैक। 10 साल बाद वह वापस आया। यहां पर हमने देखा टाइम। अब देखते हैं यहां पर हम सेकंड। दिस वेरी कॉमन वर्ड हम यूज करते ही हैं। सेकंड के बाद हम लिखते हैं मिनट। हम बोलते भी हैं जस्ट 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, आई एम कमिंग, जस्ट सेकंड। सेकंड के बाद यहां पर आवर। इसका उच्चारण आवर होता है क्योंकि एच साइलेंट मोड में होता है। अब हम देखते हैं वीक। वीक मीन सप्ताह, जिसका सभी को इंतजार होता है कि कब वीक एंड आए। तो वीक एंड का मतलब होता है शनिवार और रविवार वाले दिनों को हम बोलते हैं वीक एंड। नौकरी पेशा वालों को इन दिनों बहुत सुकून मिलता है क्योंकि शनिवार अंतिम दिन होता है सप्ताह का, और रविवार को जैसा कि सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में छुट्टी का डे होता है। अब यहां पर वीक डे, वीक डे मीन्स शनिवार और रविवार को छोड़कर जो वर्किंग डेज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम वीक डे। डे यहां पर डे से हम शुरुआत करते हैं, हम मिटा देते हैं। डे मीन्स दिन। अब यहां दिन की शुरुआत मान लेते हैं, तो आज, आज के लिए हम यूज करते हैं टुडे, और कल टुमारो। टुडे टुमारो, और यहां यस्टरडे।
यस्टरडे मींस होता है बीता हुआ कल, और आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। अब हम यदि परसों, तो कौन सा परसों? आने वाला परसों, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। अब हम अगर ये सेंटेंस हम बनाते हैं कि मैं परसों आऊंगा, इट मींस आने वाला परसों, तो आई विल कम डे आफ्टर टुमारो। लेकिन यहां पर बीता हुआ परसों की यदि हम बात करें तो हम लिखते हैं डे बिफोर और यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे मींस बीता हुआ परसों। डे बिफोर यस्टरडे आई मेट माय फ्रेंड, परसों में मैंने दोस्त से मिला। चलिए, यहां पर डॉन मींस होता है प्रातः काल, प्रातः काल के बाद मॉर्निंग सुबह, और मॉर्निंग के बाद वाला समय होता है नून, और भरी दोपहर वाला जो समय होता है उसे हम बोलते हैं हाई नून। हाई नून, और दोपहर के बाद का समय होता है आफ्टरनून, आफ्टरनून, और इसके बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद नाइट, नाइट के बाद टू नाइट, टू नाइट मीन आज रात, और मिड नाइट, मिड नाइट बोलते हैं आधी रात को, और यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्थ नाइट, तो वो होता है 15 दिन का पीरियड समय। अब हम ईयर पे आते हैं। ईयर मीन साल, और लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आता है, लीप ईयर, लीप ईयर जो 4 साल वाला जो समय आता है जिसमें 29 फरवरी जो आता है वही ईयर होता है, ये जो 4 साल में एक बार। इसके बाद ये हो गया ईयर। डिकेड, डिकेड होता है एक 10 साल का पीरियड, अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स इज कॉल्ड डिकेड। डिकेड के बाद यहां पर सेंचुरी, शतक और हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी मींस अर्ध शतक, और अर्ध शतक के बाद क्वार्टर सेंचुरी आता है। फिर हम यहां पर लिखते हैं स्वर्ण काल जो 1000 साल का होता है, पीरियड मिलेनियम, डबल एन आई यू एम है ये मिलेनियम, स्वर्ण काल बोलते हैं इसे, सतयुग भी बोलते हैं मिलेनियम को। और यहां पर अब हम आते हैं सीजन पर। अब ये जो सीजन होते हैं, देयर आर 6 सीजन्स, समर, समर के बाद विंटर, विंटर के बाद प्री मानसून, जो मानसून आने के पहले वाला समय होता है मानसून, और प्री मानसून के बाद होता है मानसून, और मानसून के बाद
वाला जो समय होता है वो पतझड़ वाला, मतलब पतझड़ वाला समय को बोलते हैं ऑटम। एन है ये एम एन, और ऑटम के बाद वसंत ऋतु वाले समय को हम बोलते हैं स्प्रिंग। यहां पे लिख देता हूं मैं स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु। ये इस प्रकार के जो टाइम एंड ड्यूरेशन वाले जो वर्ड्स हैं, ये हमारे स्पोकन इंग्लिश पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं और प्रभावकारी कम्युनिकेशन इनके माध्यम से हम बोल सकते हैं। दोस्तों अभी तक भी आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते रहिए और देखते रहिए इसी प्रकार के वीडियोस। मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।